सुधार तो उसने कोई अपनी जिंदगी जानी गरीब जी क्या लौट से था मतलब जेल में मिला तो उसे जिंदगी जानेगा क्यों कहते भी मैं आपको गांधी जी थे मुसलमान को फिक्र लेकिन अगर थे किसी बात पर माफ किया कि मैं मुसलमानों की तरफ वहां जब गांधी जी की प्रार्थना हुआ करती थी ऐसा और तो वहां पे पहले बाइबल पढ़ा जाता था फिर कुरान शरीफ पढ़ा जाता था फिर भगवत गीता और अगर कोई कह दे किसी ने जैसे एक दिन एक पंजाबी हमारे तरफ था लेकिन गांधी जी आपके बापू नहीं सुन गए ये बहुत हो गया गांधी जी ने कहा ठीक है ये प्रार्थना नहीं हुई दूसरे दिन नहीं हुई तीसरे दिन नहीं हुई तो वो आदमी आया तो कहने लगा कि नहीं मैं शर्मिंदा हूँ मुझे गलती का एहसास है अगर वो लोग सुनना चाहते तो सुने मुझे कौन तो फिर उन्होंने जब विड्रॉ किया तो फिर गांधी जी ने कुछ जब मगर दार का भाव पड़ता तो मैं प्रार्थना मांगी और गांधी जी यही कह रहे थे कि भी देखो अब हमने आजादी ले ली मतलब आपके ऐसी प्रकार की कला है जिसमें कि आदमी को आदमी बचाना है इसलिए नहीं बचाना है कि वो हिंदू है मुसलमान है सिख तो आज उस बात से बहुत दूर आ गए सत्तर साल वैसे भी आजादी को हो गए लेकिन उससे दूर आ गए ये तो मतलब नहीं था कि हम अपने हुनर से दूर आ गए मैं तो क्या आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जिस चीज के लिए हमने आजादी ली थी जो आजाद हमके हमारे अटूट थे और जिस लीडर ने जवाहरलाल नेहरू मौलाना रोना आजाद ये सब लोग थे अब एक मुसलमान का एक हिंदू का तो कोई ये बात नहीं थी कि भाई बल्कि करते ही जब वो अंग्रेज को कैद करते थे वो एक एक ही जगह पे कैद कर दिए हैं तो ये आज ये पॉलिटिक्स है उसको हम एक सोसाइटी को डिवाइड कर रहे हैं कि उसके लिए वोट मिल जाए उसके लिए हम बढ़ रहे हैं लेकिन इसका मतलब क्या होगा आखिर ये बात सबसे की अगर आपने किसी को आप सोसाइटी को लोगों को इसलिए बात किया कि भाई ये लोग तो मुसलमान और ये हिंदू सिख हैं तो ये सोसाइटी चलेगी क्या हमारा ये कभी मकसद नहीं था मैंने भी एक अपना जब चार को टाइम था तो पार्टनर उसने लिया था लाभ लेकिन यही एक था कि सब मिलकर आजादी देंगे और ली और उसको एक ऐसा देश उतारेंगे जिसमें उनके सब लोग बराबर होंगे जो सोशल सोसाइटी